हम बात कर रहे हैं अभी भैया डिस्प्लेसमेंट मेथड के बारे में। आप लोग जानते हो कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी होती है? 4f होती है। हाँ जी 4f होती है, हम जानते हैं भैया। ये कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट और उसके रियल इमेज के बीच की मिनिमम डिस्टेंस 4f है। ऐसे दो पॉइंट जिनमें से किसी भी एक पर ऑब्जेक्ट को रखने पर उसकी रियल इमेज दूसरे पॉइंट पर बन जाए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ए पर ऑब्जेक्ट रखा, रियल इमेज बी पर बनी, और ऑब्जेक्ट को बी पर रखा तो रियल इमेज कहाँ पर बनी? ऐसे दोनों पॉइंट्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स, और कॉन्जुगेट पॉइंट्स के बीच का मिनिमम गैप होता है 4f। ठीक है, क्या होता है 4f? इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है डिस्प्लेसमेंट मेथड, विस्थापन विधि। डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है, इट इज अ मेथड यूज टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ एनी कॉन्वेक्स लेंस। किसी भी कॉन्वेक्स, किसी भी कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड का यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन फोकल लेंथ ऑफ एनी कॉन्वेक्स लेंस। तुम्हें एक कोई लेंस दिया, सपोज करो ये कॉन्वेक्स लेंस है, इमेजिन कर लेते हो ये कॉन्वेक्स लेंस है, मुझे इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है मुझे? तो एक बहुत नॉर्मल तरीका क्या होता है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है, तो एक नॉर्मल तरीका ये है कि आपने बचपन में शायद वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, कभी हाथ जलाया होगा, कागज़ जलाया होगा अपने लेंस को लाकर सूरज के सामने, सन है सामने, सन के सामने लेंस लाते हैं और पीछे आप हाथ रखते हैं, तो हाथ रखते हैं तो थोड़ी ऐसा फील हुआ होगा कभी कि एकदम बिल्कुल भयंकर वाला गरम गरम सा लगा होगा, और कागज़ रखा होगा तो कागज़ क्या जल गया होगा। अभी जैसे बीच में मैंने एक इंसिडेंट देखा था कि बोले वो क्या होता है, जैसे हम कार में आगे कई बार पानी की बॉटल रखते हैं, तो पानी की बॉटल ट्रांसपेरेंट वाली बॉटल नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जब सन से लाइट आ रही होती है तो वो जो बॉटल है पानी की, वो किसकी तरह काम करती है? कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है। तो जब लाइट रेज उस पर आ रही होती है तो बॉटल कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करती है, और ऐसे पीछे अगर मान लो कुछ कपड़ा वगैरह रखा हुआ है या जो सीट कवर है, उस सीट कवर को वो क्या करता है, थोड़ी देर बाद जलाना शुरू कर देता है। तो बोले वी शुड अवॉइड दैट ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। ठीक है, और भी कोई बॉटल होगी तो भी ट्रांसपेरेंट। ठीक है, चलो अभी इधर आओ, बस वापस से हम यहाँ आ रहे हैं। तो क्या करते हैं हम, वो ठीक है भैया, सूरज चाचू है वहाँ पर, सूरज चाचू के सामने हम क्या करते हैं, बॉटल नहीं लाते, ये लेंस लेते हैं, और लेंस के पीछे हम क्या करते हैं, कागज़ वगैरह रख लेते हैं। अब आप इस लेंस को जब आगे पीछे चलाते हो या कागज़ को आगे पीछे चलाते हो आप, तो आप देखते हो बिल्कुल एक शार्प सा पॉइंट बनेगा। जब आप इसको आगे लेके जाओगे तो वो पॉइंट जो थोड़ा सा फैलने लग जाएगा, ब्लर होगा, थोड़ा सा फैलेगा वो, दूर ले जाओगे तब भी वो ब्लर होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर पोजिशन पर वो पॉइंट बिल्कुल एकदम शार्प, एकदम नुकीला पॉइंट बनेगा वो। और वही मूवमेंट होता है जिस समय कागज़ जलना शुरू हो जाता है। हालांकि कागज़ थोड़ा जल्दी भी जल सकता है, क्योंकि हीट अगर ज़्यादा आ रही है तो वो जल्दी भी जल जाएगा। पर मसला क्या है कि जब मैं सूरज के सामने भैया इस लेंस को लेकर आया, पीछे मैंने पेपर रखा, तो जब मैं पेपर को, ये लेंस को आगे पीछे या पेपर को आगे पीछे चलाऊंगा, तो यहाँ एक बिल्कुल सुई जैसा बिल्कुल एकदम शार्प पॉइंट बनेगा। अब कायदे से अगर देखा जाए तो वही डिस्टेंस फोकल लेंथ होगी। क्यों होगी? क्योंकि इन्फाइनाइट से आने वाली लाइट रेस को ये जहाँ जाकर फोकस करेगा, जहाँ जाकर कन्वर्ज करेगा, वही तो कहलाती है फोकल लेंथ। अब तुमने बाजू में स्केल रखकर तुमने निकाल दिया कि ये कितना आ रहा है, स्केल रख के तुमने निकाला, सपोज वो 25 सेंटीमीटर आया, मतलब फोकल लेंथ कितनी है 25। अब ये हो सकता है कि वो शार्प 25 ना होते हुए 24.9 या 25.1 हो सकता है वो एग्जैक्टली 25 ना होते हुए 25 से तनिक सी ज़्यादा या तनिक सी कम हो, स्लाइटली मोर देन 25 और स्लाइटली लेस देन, मे बी 25.2 सेंटीमीटर, मे बी 24.8 सेंटीमीटर। नाउ हियर टू डिटरमाइन इट्स एग्जैक्ट वैल्यू, मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू की गणना करनी है। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? उसकी एग्जैक्ट। हाउ शल आई गो फॉर दैट? मैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा? समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उसके लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है, आपके पास में एक ऐसी ऑप्टिकल बेंच होती है, ऐसी बेंच होती है जिस पर सिर्फ दो रॉड लगी होती है, हम देखेंगे फिजिक्स लैब में, तो ऐसी दो रॉड्स लगी होती है, उनके नीचे स्टैंड लगा होता है। ऐसी दो रॉड्स है, इमेजिन कीजिए, एक रॉड है, एक रॉड इसके पैरेलल, एक और ऐसे दो रॉड्स होती हैं, उनके बाद उन वो स्टैंड पर टिकी होती है रॉड, और उनके ऊपर और कुछ स्टैंड लगा कर लेंस वगैरह हम रखा करते हैं। क्या रखते होते हैं हम लोग? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल ऑप्टो
ऑप्टिक्स के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो मोस्टली ऑप्टिकल बेंच पे ही होते हैं, उस बेंच को कहा जाता है ऑप्टिकल बेंच, प्रकाशिक बेंच, ठीक है। तो हमारे पास में हमने क्या करा, इस लेंस की एक टेंटेटिव फोकल लेंथ हमको मिल गई, एक अप्रॉक्सीमेट फोकल लेंथ मिल गई, हमें एग्जैक्ट वैल्यू उसकी फाइंड आउट करनी है। मे बी कि वो 25 आई है, तो आई कैन से कि साहब वो 25 से हल्की से ज़्यादा या हल्की से कम होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक ये ऑप्टिकल बेंच है मान लीजिए इस तरह से, इस ऑप्टिकल बेंच पर मैं ऐसी दो पिन फिक्स कर देता हूँ। एक पिन मैंने फिक्स करी, मैंने ये ऑप्टिकल बेंच ली, प्रकाशिक बेंच ली सर, इस पर मैंने क्या करा, ये एक मैंने इस तरह का एक पिन इसके ऊपर लगा दी, उस बेंच के ऊपर ऐसी पिन लग जाती है, इस पिन को नाम दिया ए बी और इसको क्या नाम दिया सी डी। दैट इज माई ऑब्जेक्ट पिन एंड दैट इज माई इमेज पिन। इन दोनों पिनों के बीच की जो दूरी है वो मैं कर देता हूँ 25 × 4, 4F से ज़्यादा, कितना आया वो 100 सेंटीमीटर। तो इन दोनों पिनों के बीच की दूरी मैं उससे ज़्यादा कर दूंगा, ज़्यादा करने की कोई लिमिट नहीं, कितने भी कर सकता हूँ, 100 से ज़्यादा 101 कर दूँ, 102 कर दूँ, 103 कर दूँ, 104 कर दूँ, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हम 25 × 4 = 100 से ज़्यादा कर देंगे, मे बी कि मैंने 120 सेंटीमीटर कर दिया। बाजू में इसके स्केल लगी होती जहाँ से आप निकाल लेते एग्जैक्ट वैल्यू। तो आप दो पिन ऐसी फिक्स कर देते हो, ये एक ये पिन और एक ये पिन। इस पिन को ए बी पिन को मैं क्या नाम देता हूँ, इससे मैं नाम देता हूँ ऑब्जेक्ट पिन, और ये जो सी डी है दिस वी कॉल एज इमेज। पहली वाली जो पिन थी उसे बड़े बुजुर्गों ने नाम दिया ऑब्जेक्ट पिन और दूसरी पिन को नाम दिया, ये दोनों पिन फिक्स कर दी, जिनके बीच की गैप, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस वी रिप्रेजेंट बाय इस डिस्टेंस को, दोनों पिनों के बीच की जो दूरी है वो स्केल से फाइंड आउट कर ली जाती है, मे बी कि वो कैपिटल डी है, माना कि वो कैपिटल डी है, मान लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके बीच में वो लेंस देता हूँ जिसकी फोकल लेंथ मुझे निकालनी थी, चलो सपोज करो वो लेंस ये रहा, वो लेंस ये रहा, लेंस की इस पोजीशन को मैंने नाम दे दिया एल। मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने दोनों पिन फिक्स कर दी, अब मैं और मेरा एक साथ में पार्टनर को पकड़ लिया मैंने, हम दोनों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये वाले, ठीक है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ और मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, इस लेंस को आगे पीछे चलाता है, इसको आगे पीछे चलाता है कि कुछ ऐसे कि इसकी इमेज जो है वो एग्जैक्टली वहाँ बने, ए बी की इमेज कहाँ बने एग्जैक्टली सी डी पर, ए बी की इमेज एग्जैक्टली सी डी पर बने, और वो बन सकती है क्योंकि मुझे मालूम है ऑब्जेक्ट और उसकी रियल इमेज के बीच की डिस्टेंस 4F से ज़्यादा होती है। तो देयर वुड बी सर्टनली अ पोजिशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस फॉर विच इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट पिन ए बी इज फॉर्म्ड शार्पली एट सी डी, सी डी पर बनेगी, और वो इमेज ऐसी बनना चाहिए कि बिल्कुल पैरलैक्स ना आए, पैरलैक्स नहीं आए मतलब, मैंने बताया था तुमको पैरलैक्स का मतलब कि वो बिल्कुल भी ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल उसके ऊपर। बोलिए कहीं से भी देख लो 360 डिग्री एंगल, ये वाली आँख बंद करके ये वाली आँख बंद करके वहीं मिलना चाहिए मुझको, बोलो ठीक है। तो ये रहा और इसकी इमेज एग्जैक्टली वहाँ पर सी डी पर बनी, बन गई सर। अब ये जो इमेज बनी, ये जो इमेज बनी, मान लिया कि ये जो इमेज बनी कुछ ऐसी बनी, ए डैश बी डैश, इसकी इमेज वहाँ पर बनी, और उस समय माना कि ये वाली जो दूरी है, सपोज करो ये दूरी यू है और ये दूरी कितनी है, वो दूरी यू थी और ये दूरी कितनी थी वी थी, ठीक। अरे कहो, ये डिस्टेंस यू है और वो डिस्टेंस कितनी है वी है, इमेज वहाँ बनी। ये मैंने पोजीशन नोट कर ली बाजू में, मैं कॉपी में लिखते जा रहा हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, वापस से इस लेंस को डिस्प्लेस करता हूँ, इस लेंस को मैं शिफ्ट करता हूँ, इस लेंस को मैं शिफ्ट करता हूँ कुछ ऐसे। मैं मेरे पार्टनर को बोलता हूँ कि चल वापस से लेंस को शिफ्ट कर भाई, वो लेंस को शिफ्ट करता है और कुछ ऐसे शिफ्ट करता है कि इसकी इमेज वापस से वहीं बने, इसकी जो इमेज है वो कहाँ बने एग्जैक्टली आयुष, वहीं बने। सो अब जो नई पोजिशन आई लेंस की, फर्ज करिए वो यहाँ कहीं आई, पिछली वाली पोजिशन को मैंने नाम दिया था एल, इस पोजिशन को मैंने क्या नाम दे दिया एल डैश।
ठीक है, इमेज वापस से एग्जैक्टली वही बनी जहाँ वो बन रही थी, तो ये जो है वापस से वही बन रही है जहाँ पर पहले बन रही थी, और ये जो पोजीशन है हमने इसको, चलिए नई जो इमेज बनी वो क्या बनी, ए डबल डैश बी डबल डैश। निश्चित रूप से ये सिचुएशन जब आएगी, ये सिचुएशन जब आएगी तो हो ना हो ये वाली डिस्टेंस होगी वी, क्या डिस्टेंस होगी ये, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, क्यों, क्योंकि हमको बताया गया था एक्स डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखो तो इमेज बनती है वाई पर, तो पक्की बात है ऑब्जेक्ट को अगर वाई डिस्टेंस पर रखोगे तो इमेज एक्स डिस्टेंस पर बनेगी। बोलो, बोला था कि नहीं मैंने आपको, मैंने आपको क्या बताया था कि कॉन्जुगेट पॉइंट से कॉन्सेप्ट को मैंने दो तरीके समझाया था, कि ए पर ऑब्जेक्ट रखा रियल इमेज बनी बी पर, तो ऑब्जेक्ट को बी पर रखने पर रियल इमेज कहाँ बनेगी, यूँ कह दो आप, या यूँ कह दो कि एक्स डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखने पर उसकी रियल इमेज वाई डिस्टेंस पर बनती है, तो ऑब्जेक्ट को वाई डिस्टेंस पर रखने पर उसकी रियल इमेज कहाँ बनेगी, एक्स डिस्टेंस पर। सो व्हेन आई कीप द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस यू, इमेज इज फॉर्मड एट डिस्टेंस वी, व्हेन आई कीप द ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस वी देन इमेज इज फॉर्मड एट डिस्टेंस यू। बोलिए, ठीक है। इन दिस केस यू पीपल सी दैट लेंस हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम दिस पोजिशन एल टू एल डैश, लेंस को एल से एल डैश पर डिस्प्लेस किया गया है। वी कैन सी कि हमने चूंकि लेंस को डिस्प्लेस किया, यहाँ पर लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ओ था, वहाँ पर लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ओ डैश है, तो चूंकि यहाँ पर लेंस को डिस्प्लेस किया गया है इसीलिए इस मैथड का नाम दिया गया है डिस्प्लेसमेंट मैथड। दिस इज अ मैथड यूज टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ एनी कॉन्वेक्स लेंस बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट दैट डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जुगेट पॉइंट्स इज 4f, दैट इज द मिनिमम गैप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज इज 4f, when you keep object at distance u then image is formed at distance v, and if I keep the object at distance v then definitely image would get formed at distance u। say ye kahani yahan par hamare paas mein aa rahi hai, mana ki is sthiti mein lens ko diya gaya jo visthapan hai wo hai x, maan liya apan ne ki lens ko diya gaya displacement kitna hai, by how much distance lens has been displaced x, bolo। तो यहाँ जो तुम्हारे पास है इस मेथड में तुमने किस क्या निकालने जा रहे हो, तुम फोकल लेंथ। आपने जब ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस u पर रखा, इमेज बनी v पर, तो अगली बार एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ऑब्जेक्ट को v डिस्टेंस पर रखोगे तो इमेज कहाँ बनेगी, u डिस्टेंस। बोलो, समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ पर तुम्हारे पास में क्या है, इस डायग्राम में अगर तुम देखो तो तुम पाओगे u प्लस v इज इक्वल टू कितना है, कैपिटल डी। कैसे, ये यू है और ये वी है, तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस ये वाली कितनी है, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी की वैल्यू यू प्लस वी आ रही है कि नहीं आ रही है, अरे बोलो ना रे, ये यू गैप है वो वी गैप है, तो इन दोनों का यहाँ पर पूरा यू प्लस वी हो जाएगा। बोलिए, और दूसरी बात यहाँ यदि आप देखें तो ये डिस्टेंस वी थी, ये डिस्टेंस वी है, इसमें से u चला गया तो बाकी कितना आएगा, आराम से देखो, इत्मीनान से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम आराम से काम करता हूँ मैं। ये डिस्टेंस कितनी है, ये कितनी है, इस v डिस्टेंस में से u डिस्टेंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, बाकी कितना आएगा, तो v माइनस u इज इक्वल टू x। ये कौन सी इक्वेशन बन गई, सेकेंड इक्वेशन। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा, समझ में आया कि नहीं आया, ये दूरी u है, ये दूरी v है, u प्लस v इज इक्वल टू है d, और इस v में से u को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बाकी बचा x, ठीक है। अब मैं यदि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, इफ आई ऐड, जब मैं ऐड करूंगा तो माइनस u से प्लस u क्या हो जाएगा, और 2v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल्स टू कितना, डी प्लस एक्स बाय टू। हाँ जी, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड किया, और अब अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या पाता हूँ, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का,
तो ये कैंसिल हो जाएंगे और 2u इज इक्वल टू कितना आएगा, तो u इक्वल टू आ गया d माइनस x अपॉन 2। अरे बोलो समझ में आई बात या नहीं आई भैया? आ रही है ना? अभी मैं लेंस इक्वेशन लगा रहा हूँ भैया, तो लेंस इक्वेशन अगर मैं लगाता हूँ तो लेंस इक्वेशन क्या है, 1/v - 1/u, ऐसे ही कुछ बताया गया था आपको। v की वैल्यू आ रही है डी प्लस एक्स बाय टू, और वो प्लस क्योंकि पीछे है, हाँ जी, और u की वैल्यू है, और माइनस चूंकि वो उसके सामने है। कहो, बचपन में सुना था कि जो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में होता है वो घूम फिर के न्यूमरेटर में पहुंच जाता है, सुना था आपने? ऐसा कुछ कुछ होएगा, बोलो। ये भी माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 × d - x, ठीक है, 2d - 2x प्लस 2d, बोलो हैं? अबे 2x से 2x क्या हो जाएगा, आगे काम देखते हैं, करिए नोट डाउन। इससे f की वैल्यू क्या आई, इसका पलटा मार देंगे, ठीक है, समझ गए भैया? ये फोकल लेंथ आ गई। अब अभी क्लास शुरू ही हुई है, अथर्व कुमार बहुत जल सेवा कर रहे हो तुम, बहुत दुआएं लगेंगी तुम्हारे को, पर इनमें से कुछ लोग ऐसे जिनको जल की सेवा करने से कुछ नहीं देते, दुआएं वुआएं नहीं देते, इनको बड़ी बड़ी सेवाएं लगती हैं। चलो सुनो, इधर आ जाओ, ये हो गया हमारे पास फोकल लेंथ भैया, बोलिए। अब अगर मैं लीनियर मैग्नीफिकेशन निकालूं पहले वाले केस में, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन जो पहले वाले केस में होगा वो होगा वी बाय यू, पहले वाले केस में लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होगा, वी बाय यू, और वी पीछे था ध्यान करो प्लीज, और यू सामने था इसलिए माइनस कर दिया। ये पहला वाला लीनियर मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन जो होता है लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिए। और दूसरे केस में, दूसरे केस में इमेज की डिस्टेंस कितनी आ रही है, डायग्राम में देखिए, दूसरे केस में इमेज की डिस्टेंस यू है भाई, वी बाय यू से मतलब होता है वी इमेज की डिस्टेंस और यू ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, होता है कि नहीं, लीनियर मैग्नीफिकेशन होता है वी बाय यू, वी बाय यू, अब वी है पीछे की तरफ इसलिए प्लस, और यू है ये, और सेकेंड बार में वी का काम कौन कर रहा है, यू कर रहा है, और वी और यू का काम वी कर रहा है, बोलो ना।
तो ये होगा यू और ये होगा माइनस वी। कहो कुछ समझ में आया? पहला वाला जो लीनियर मैग्नीफिकेशन था वो था v बाय यू और दूसरा वाला है u बाय v। एक्चुअली v बाय यू होता है पर v से मतलब होता है इमेज की डिस्टेंस और u से मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब पहले केस में इमेज की डिस्टेंस है v, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u, और सेकंड टाइम पर आप देखो डायग्राम में इमेज की डिस्टेंस है u और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है v। कहो ना। और ये क्या नाम से जो सामने वो माइनस जो पीछे है वो प्लस। हाँ जी। अब m1 मल्टीप्लाई विथ m2 क्या होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना? तो दोनों जो लीनियर मैग्निफिकेशन है, दोनों जो लीनियर मैग्निफिकेशन है इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा? प्लस वन। इन दोनों का लीनियर मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट कितना आएगा? आ गया? अरे बोलिए। yes, दोनों के लीनियर मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट आ गया प्लस वन। इसका मतलब क्या है कि दोनों जो लीनियर मैग्निफिकेशन है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। m1 बराबर कितना है? 1 बाय m2। ऐसे ही m2 बराबर 1 बाय m1। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि पहले केस में ये जो इमेज है ए डाई बी डैश, ये जो पहली वाली इमेज है, पहली वाली इमेज अगर ऑब्जेक्ट की चार गुनी बड़ी है तो दूसरी वाली जो इमेज होगी वो ऑब्जेक्ट की 1/4 होगी। नहीं आ समझ में? दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मतलब हुआ? दोनों मैग्निफिकेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कि अगर पहला वाला इमेज, पहली वाली जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के 5 टाइम्स है तो सेकंड वाली इमेज उसकी 1 बाय 5 टाइम्स होगी, तभी तो दोनों का प्रोडक्ट 1 बाय 1 आएगा। केतन, पहली वाली इमेज अगर ऑब्जेक्ट की क्या शशांक 10 टाइम्स तो दूसरी वाली इमेज ऑब्जेक्ट की क्या होगी? 1/10 टाइम्स। ठीक, तो दोनों के मैग्निफिकेशन का प्रोडक्ट होगा शार्प 1। करेक्ट बोलिए। और माना कि जो पहली वाली इमेज है, ये जो पहली वाली इमेज है, माना कि इस पहली वाली इमेज की लेंथ है आई वन, दूसरी वाली जो इमेज है उसकी लेंथ कितनी है, और जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ कितनी है ओ। पहली वाली इमेज की लेंथ कितनी है, दूसरी वाली इमेज की लेंथ कितनी है, और ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है, है? तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है? m1 लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, और दूसरा वाला मैग्निफिकेशन लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बोलो। इन दोनों का प्रोडक्ट आई वन अपॉन ओ। कंफ्यूज मत होना भैया, ये जीरो नहीं है। हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट है वन। तो आई वन आई टू अपॉन क्या? तो इससे ओ स्क्वायर बराबर आ गया क्या? तो ओ की वैल्यू कितनी आ गई? आ गई? बोलिए। ओ की वैल्यू क्या आ गई? अंडर द रूट ऑफ आई वन आई टू। ओ किसकी लेंथ है और आई वन आई टू किसकी लेंथ है? करिए, कर लिया। ऑब्जेक्ट की लेंथ जो आ रही है वो कुछ ऐसी आ रही है, और मैथमेटिकली ये जो टर्म लिखा है इसे क्या बोला जाता है? मैथमेटिकली इसे क्या बोला जाता है मैं बता देता हूँ, ध्यान दे लो भैया जिनको नहीं पता हो। यादव ध्यान दो, तुम्हारे पास कोई दो नंबर से बेटा ए और बी, तुम्हारे पास कोई दो नंबर से है, एक कौन सा है और एक कौन सा है, तो इन दोनों नंबर्स का होता है एरिथमेटिक मीन, जो तुम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था, एरिथ
मैट्रिक मीन, जिसे हम एब्रेविएशन देते हैं, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलते हैं इसकी, AM। ये कहलाता है इन दोनों का एरिथमेटिक मीन, पढ़ा था हम लोगों ने। दूसरा हमारे पास में है ज्योमेट्रिक मीन, ये कहलाता है इनका ज्योमेट्रिक मीन। दोनों को मल्टीप्लाई करा, रूट के अंदर रख दिया, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कर देंगे ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। और एक और होता है हमारे पास हार्मोनिक मीन, ये क्या कहलाता है इनका, हार्मोनिक मीन। बता चुका हूँ पहले भी एक बार में, कहाँ पर बताया था, मोशन में बताया था, बहुत बढ़िया शाबाश। तो ये अरिथमेटिक मीन है या ज्योमेट्रिक मीन है या हार्मोनिक मीन है, ठीक है। अब यहाँ तुम अगर देखो तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ आ रही है वो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ रही है, मतलब हम बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑफ आई वन एंड आई टू। ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो इमेजेस की लेंथ की क्या है, ज्योमेट्रिक मीन। बोलो कर लिया। ये लिख लो, कर लो भाई। कर लिया ये भैया, ये कर लीजिएगा, ये लाल रंग से लिख रहा हूँ मैं, लाल रंग की स्याही जो कॉपी में बनती है ना, गलत करते हैं स्पेलिंग तो फिर टीचर स्पेलिंग करेक्शन करते हैं ना, ठीक है। कर लिया, एरिथमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है और हार्मोनिक मीन क्या है। चलो भैया अब एक काम करो, तुम यहाँ ना फोकल लेंथ का एक फार्मूला प्रूव करो, इस वाले माइनस का मतलब जानते हैं क्या है, बड़े में से छोटे को सब, ठीक है करो दिस फार्मूला यू प्रूव। भाई देखो M1 की वैल्यू क्या है, M1 M1 यही था ना, और V की वैल्यू कितनी आई थी, और इसकी वैल्यू क्या थी, थी या नहीं थी, 2 से 2 कैंसल तो कितना आ गया, ये M1 था, ऐसे ही कौन आ जाएगा, M2। M1 आ गया, M2 आ गया, उसे रखो RHS में, करो हुआ, ये M1 है, ऐसे ही M2। M2 कितना होगा, बोलो ठीक है, कितना है ये, एम आई करेक्ट, ये M1 और M2 आ गए, अरे आ गए। अब जो प्रूव करना आप उसके LHS ले लो, जो प्रूव करना आप उसकी क्या ले लोगे, LHS। तो LHS लोगे तो LHS, सॉरी सॉरी सॉरी, M1 की वैल्यू कितनी है, और M2 की वैल्यू कितनी है,
एम आई करेक्ट? ये तुम्हारे पास क्या है, M1 और M2? बोलिए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या आया ये डी माइनस एक्स अपॉन क्या, है या नहीं है? अब एक्चुअली अगर देखा जाए ना तो तुम्हारे को मालूम है क्या करना है, तुमको बड़े में से छोटे को माइनस करना है। M1 और M2 दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करना है। बोलो करना है। दोनों में से बड़ा कौन दिख रहा है तुम्हारे को, ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है कि ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। क्यों? न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, या उल्टा न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है? तो दिस एक्सप्रेशन एक्सीड्स दिस वन, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, इसलिए प्लस और ये माइनस। कहो, इस बारे माइनस का सिग्निफिकेंस तुम्हें समझा चुका हूँ मैं पहले ही, ठीक है? अभी एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, डी प्लस एक्स ऑलरेडी था, ये भी डी प्लस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट है? डी प्लस एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ पर ये, और ये जो डिनोमिनेटर में है एलसीएम आएगा ये। चलो वो भी कर देता हूँ तुम्हारे लिए, एक्स्ट्रा पोर लिख देता हूँ, तुम भी क्या रखोगे, किससे पाला पड़ा था तुम्हारा, एम आई करेक्ट? ये कहाँ चला जाएगा घूम फिर के, ऊपर, और क्या आएगा, एक्स इंटू क्या, डी प्लस एक्स इंटू क्या, और होल अपॉन क्या, ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या, 2dx माइनस क्या, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कहो सही हूं मैं? अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस है भी, इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस है भी। कहो ना यार, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, और यहाँ ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर क्या हो जाने वाला है, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, एक्स से एक्स क्या क्या होगा, हाँ, और यही तुम्हारे पास में क्या होती है, फोकल लेंथ होती है या नहीं होती है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4d, यही तो क्या होती है, बोलो। तो ये आ गए हमारे LHS, जब ऐसे आ जाते तो आखिरी में वो वाला अच्छा लिखने लगता है, अपने को लिखना हैंस प्रूड, इतने सिद्धम बोलते थे हम उसको हिंदी माध्यम वाले, कर लो भैया। कर लिया, तो किस तरीके से हमने मैं फोकल लेंथ के दो फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की लेंथ, इमेजेस की लेंथ के बीच में क्या रिलेशन है, और वो क्वेश्चन हो गया उसमें ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस दे रखी, मतलब कैपिटल डी दे रखी है, और तुमको बोला हुआ लेंस को कितना शिफ्ट किया, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा उससे। कहिए,